नमस्कार हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ एन टी ए यू जी सी नेट विषय हिंदी की हमारी तैयारियाँ चली हैं और इसके अंतर्गत हम अपना जो छठवां यूनिट है हिंदी उपन्यास उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हमने अपने तीन चार उपन्यास कर लिए हैं अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्ले में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं तो आज जो हम उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे वो है यशपाल जी का झूठा सच उपन्यास है इनका और इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये झूठा सच है ये दो भागों में विभाजित है इनका उपन्यास पहला जो इसका भाग है देखिए वो है वतन और देश जबकि इसका जो दूसरा भाग नाम है इसका देश का भविष्य तो दो भागों में विभाजित ये उपन उपन्यास है यशपाल जी का अब हम देख लेते हैं कि यशपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इनका जो जन्म हुआ है देखिए 1903 में और इनकी मृत्यु 1976 में हुई है और गोदान में प्रेमचंद ने आदर्शवाद से बहुत कुछ मुक्त होकर जिस यथार्थवादी दृष्टिकोण को ग्रहण किया था उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशपाल को है ये कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र तो इनके कहने का अभिप्राय क्या है कि जब गोदान हम पढ़ रहे थे अपनी पीछे वाली वीडियो में हमने गोदान उपन्यास के बारे में पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो प्रेमचंद की जो लेखन शैली थी या वो जो किस तरीके से लिखते थे आदर्शवादी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी वो थे और धीरे धीरे क्या हो गया था कि उन्होंने आदर्शवाद से बहुत कुछ मुक्त हो गए थे वो एक तरीके से उन्ह उनको उन्होंने आदर्शवादी लिखना छोड़ दिया था आदर्शवाद पर उन्होंने क्या किया उसके बाद यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया और वही दृष्टिकोण किसने ग्रहण किया आगे यशपाल ने उस परंपरा को जीवित रखा तो यशपाल जो है प्रमुख प्रगतिशील या फिर सामाजिक यथार्थवादी जो उपन्यासकारों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं ठीक है लाहौर कॉलेज में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु से परिचय होने के कारण प्रारंभिक जीवन क्रांतिकारी दल से संबद्ध तो कहने का मतलब क्या है देखिए इनका जो जब जन्म हुआ है 1903 में हुआ है और 1907 में भगत सिंह मतलब ये एक तरीके से समकालीन रहे हैं और लाहौर कॉलेज में वो भी पढ़ते थे ये भी पढ़ते थे वहाँ पर इन इनका क्या हुआ उनसे संपर्क हुआ और उनके संपर्क में आने से एक तरीके से क्या हो गया फिर क्रांतिकारी जो दल से इनका वास्ता हो गया और इसी की झलक इनके साहित्य में भी देखने को मिलती है कि ये मार्क्सवाद से ये प्रगतिशील विचारों से क्या है प्रभावित हुए हैं ठीक है और मार्क्सवादी जीवन दर्शन से प्रभावित प्रगतिशील रचनाकारों में यशपाल सर्वाधिक सशक्त हैं है ना और जब भी हम हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी रचनाकारों या फिर प्रगतिशील रचनाकारों या उपन्यासकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम आता है यशपाल का ही नाम आता है क्लियर है आगे है सामाजिक यथार्थवादी या फिर प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथम तो ये बात भी वही बात है कि जो सामाजिक और यथार्थ के जो इन्होंने उपन्यास लिखे हैं है ना उसमें इनका नाम पहले स्थान पर आता है तो ये था यशपाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी अब हम यशपाल के उपन्यासों के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक ट्रिक मैंने अपनाई है अगर आपको ये उपयोगी लगे तो आप इस ट्रिक को भी अपना सकते हैं तो देखिए इनके जितने भी उपन्यास है ये पूरे क्रम वाइज इसी तरीके से इस ट्रिक से ही याद हो जाएंगे अगर आप इसको इस एक लाइन को याद कर देते हैं तो देखिए क्या कहता है कि दादा देशद्रोही दिव्या ने पार्टी के मनुष्यों से अमिता की झूठी सच्ची बारह बातें की तो देखिए दादा देशद्रोही दिव्या ने क्या किया पार्टी के मनुष्यों से अमिता की झूठी सच्ची बारह बातें की तो देखिए इसको हम अब अलग अलग करके देखते हैं नीचे इनके उपन्यासों के जरिए देखिए दादा से बन गया दादा कॉमरेड ये लिखा 1941 में क्लियर है फिर आया देशद्रोही तो देशद्रोही से देशद्रोही है ये 1943 में और तीसरा है दिव्या तो दिव्या देखिए ऊपर हमने लिखा हुआ है दिव्या 1945 में उसी क्रम में आ रहे हैं जिस क्रम में हमने अपना वाक्य ऊपर लिखा है चौथा है पार्टी कॉमरेड तो ऊपर हमने सिर्फ पार्टी लिखा है वहीं तो से हम इसको याद रखेंगे कि यशपाल ने जो कॉमरेड नाम से दो उपन्यास लिखे हैं एक पार्टी कॉमरेड एक दादा कॉमरेड जो पार्टी कॉमरेड है वो देख, वो लिखा है उन्नीस में आगे देखिए मनुष्यों तो मनुष्यों से है मनुष्य के रूप उन्नीस सौ ये कब लिखा पांचवा जो उपन्यास उन्नीस में फिर उसके बाद अमिता उन्नीस तो देखिए ऊपर मनुष्यों से अमिता है ना तो ये कब है उन्नीस में उसके बाद है झूठी सच्ची तो झूठी सच्ची से मतलब है कि झूठा सच तो झूठा सच इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो झूठा है उन्नीस में सच्चा है उन्नीस में तो मतलब इसके दो भाग हैं पहला जो भाग है देखिए उन्नीस में प्रकाशित हुआ जबकि दूसरा जो भाग है वो 1960 में प्रकाशित हुआ है इन दोनों उपन्यासों के पहले और दूसरे भाग के क्या नाम है ये हम आगे पढ़ेंगे आगे है बारह घंटे तो बारह से क्या मतलब है बारह घंटे बीच में देखिए ये अपसरा का श्राप और क्यों फंसे ये दो उपन्यास को मैंने इस अपने वाक्य में नहीं रखा है अगर आपको लगता है कि ये इसमें एडजस्ट हो सकते हैं तो आप अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन अधिकतर जो इनके उपन्यास है वो मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं बातें से अभिप्राय है तेरी मेरी उसकी बात हालांकि ये गलत हो गया है यहाँ पर पहले आएगा मेरी तेरी उसकी बात आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा मेरी तेरी उसकी बात इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि पहले क्या आता है इंसान खुद आता है ना मौ, मैं मतलब तो मेरी और तेरी उसकी बात मेरी तेरी उसकी बात पहले अपनी फिर आपकी या तेरी फिर उसकी बात तो इस तरीके से इसको याद रख रखना आपने यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो गया आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा तो ये देखिए पूरे के पूरे एक वाक्य में हमने इनके सब उपन्यासों को समाहित कर लिया है एक्सेप्ट इनके जो दो उपन्यास हमने छोड़े हैं अप्सरा कशरा पर क्यों फंसे तो जब हम आखिरी वाला मेरी तेरी उसकी बात जो हम उन्नीस चौहत्तर की बात करते हैं तो ये आखिरी होगा तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्रम इस आपको इस वाक्य में देखने को मिल जाएगा तो ये थे इनके प्रमुख उपन्यास और कब इनका प्रकाशन हुआ ये हमने अभी देखा तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे इनके जो उपन्यासों के बारे में थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं कि अमिता और दिव्या जो ऐतिहासिक उपन्यास हैं और शेष क्या है इनके समाजवादी यथार्थ की प्रस्तुति करने वाले उपन्यास हैं तो देखिए जो दो उपन्यास हैं इनके सिर्फ अमिता और दिव्या ये कैसे हैं ऐतिहासिक उपन्यास हैं बल्कि अन्य जो क्या है वो समाजवादी यथार्थ की प्रस्तुति करने वाले हैं तो उनमें क्या है कि कहीं ना कहीं समाजवादी यथार्थ जो है देखने को मिलता है सिवाय इन दो उपन्यासों के अमिता और दिव्या तो ये इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाए कि जो यशपाल थे उनके ऐतिहासिक उपन्यास कौन कौन से हैं आ गया था है कि मेरी तेरी उसकी बात पर उन्हें 1976 में या 1976 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ तो ये इनको किस में मिला था मेरी तेरी उसकी बात पर 1976 में हालांकि मेरी तेरी उसकी बात उन्होंने लिखा कब है उन्नीस में ठीक है तो इसमें क्या है देखिए मेरी तेरी उसकी बात में जो स्वाधीनता आंदोलन है है ना उस स्वाधीनता आंदोलन और उत्तर भारतीय समाज की इसमें राजनीतिक स्थिति का संघर्ष दिखाया गया है है ना तो ये चीज है इसमें आ गया था कि उपन्यास के अलावा कहानी निबंध यात्रा साहित्य इत्यादि भी इन्होंने लिखा है तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं देखिए अनुदित इनके उपन्यास भी हैं इसके अलावा पक्का कद जुलेखा जनानी डेउी एंड फासला और चलनी में अमृत तो ये इनके कुछ अनुदित उपन्यास हैं इसके अलावा देखिए इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1917 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था तो 1917 में इनको क्या किया गया था भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था तो ये था जो यशपाल थे उनका साहित्यिक थोड़ा सा परिचय अब हम देख लेते हैं कि झूठा सच क्या है झूठा सच में क्या है जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल भी है तो देखिए जो झूठा सच इनका उपन्यास है यह इनका सातवां उपन्यास है जिसमें लाहौर के भोला पांधे से लेकर दिल्ली तक की कथा है तो भोला पांडे से लेकर मतलब भोला एक एक जगह का नाम है वहाँ से लेकर दिल्ली तक की इसमें कथा वर्णित होती है देखिए देश के विभाजन के समय हुए भयंकर दंगों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये उपन्यास है हम सब लोग जानते हैं इस जो ये बिंदु अभी मैंने पढ़ा इससे हमेशा जो जब भी यशपाल का जिक्र होता है तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि देश विभाजन पर यशपाल का कौन सा उपन्यास है तो वो है झूठा सच जिसमें विभाजन के समय भयंकर जो दंगे हुए उसी की पृष्ठभूमि बनाया गया है और उन्हीं के आधार पर इस उपन्यास को लिखा गया है तो इसके देखिए दो भागों में प्रकाशित हुआ जैसे हमने पहले भी बात कर ली थी उन्नीस और 1960 में पहले इसका वतन और देश है जो पहला भाग है और दूसरा इसमें क्या है देश का भविष्य है जो 1960 में प्रकाशित हुआ था तो देखिए पहले भाग में क्या है देश विभाजन और त्रासदी का चित्रण है जबकि जो दूसरा भाग है इसका उसमें क्या है देश निर्माण व विकास में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण किया गया है उसके बाद देखिए क्या है कि जो प्रथम खंड अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणिक यथार्थ और मार्मिक माना जाता है इसका तो पहला भाग माना जाता है विद्वान उसको क्या मानते हैं कि वो ज़्यादा प्रमाणिक है यथार्थ है और मार्मिक है दूसरे में थोड़ा इसको कम वो इन चीज़ों को देखते हैं ठीक है अगला देखिए 1942 से 1952 तक के इस भारत का इसमें क्या है चित्रण किया गया है 1942 से बावन तक के मतलब के पूरे के पूरे एक दशक का इसमें क्या है चित्रण है तो ये हिंदी का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जा सकता है तो इसको क्या कहते हैं कि ये हिंदी का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है इसको ठीक है क्योंकि इसकी जो कथा है या कथा वस्तु है वो बहुत विस्तृत है बड़ी है तो देखिए दो भागों में इसको विभाजित किया गया है जब आप देखेंगे आप पढ़ेंगे तो आप लोगों के पास होगा भी ये उपन्यास पढ़ने के लिए तो बहुत विस्तृत इसकी कथा है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कहा जा सकता है तो ये था झूठा सच के बारे में थोड़ी सी भूमिका अब हम देख लेते हैं इसकी समीक्षा कर लेते हैं थोड़ा सा तो देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। के सुनाता झूठा सच जो जो प्रमुख पात्र हैं जयदेवपुरी जयदेवपुरी उसकी बहन तारा तारा और की पत्नी कनक जो तारा और जयदेवपुरी का एक परिवार है कनक का दूसरा परिवार है इन दोनों परिवारों की कहानियों के माध्यम से उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती है और अत्यधिक विशाल फलक पर जीवन के विविध रूपों आयामों समस्याओं और जटिलताओं को प्रस्तुत करती है क्लियर है तो देखिए दो परिवारों की बात कही गई है कौन कौन से हैं तारा और जयदेवपुरी का और दूसरा कनक का इन दोनों परिवारों की कहानियों के माध्यम से ही क्या हुआ कि ये दो परिवार तो हैं लेकिन इसके अलावा क्या होते हैं आगे बढ़ती है हमारी कहानी और वो एक ऐसे फलक पर पहुंच जाती है जहाँ पर जीवन के अलग अलग रूप अलग अलग आयाम समस्याएं और जटिलताएं हमें देखने को मिलती है लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है इन दो परिवारों से हुई मानी जाती है देखिए झूठा सच की जो कहानी है यह हम प्रथम भाग के बारे में पढ़ रहे हैं इस कहानी में क्या है कि 1947 में भारत की आजादी के समय मचे भयंकर दंगे की पृष्ठभूमि के रूप में बुनी गई है और ब्रिटिश औपनिवेशिकता उसकी फूट डालो और राज करो की नीति तथा मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र का सिद्धांत से, से मिलकर यह और भी उभर कर आई है तो इसकी कहानी में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो औपनिवेश औपनिवेशिकता है फूट डालो और राज करो की जो नीति है मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र के सिद्धांत से मिलकर मतलब ये ये सारी चीज़ें इसमें क्या है इस कहानी में हमें देखने को मिलती हैं आगे देखिए कि मानवीय या यातना के इतिहास में विश्व की क्रूरतम घटनाओं में से थी है ना जिसका प्रभाव लगभग एक दशक तक बना रहा जैसे कि हमने पहले क्या बयालीस से लेकर के बावन तक तो मतलब जब देश विभाजन हुआ था उस वक्त क्या हुआ कि बहुत सारे जो दंगे हुए है ना हिंदू मुस्लिम जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए विवश हुए और बहुत सारी जो महिलाएं थीं उनको क्या किया बेआबरू किया गया और कईयों को जो है ख़त्म कर दिया गया कईयों को मार दिया गया तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है उस पूरे पूरे समय में देखने को मिली हमें जब भारत आज़ाद तो हुआ लेकिन उसमें जो विभाजन की त्रासदी है उसका ही इसमें क्या है जिक्र मिलता है तो इसीलिए इसको क्या कहा गया कि ये मानवीय यातना के इतिहास में विश्व की सबसे क्रूरतम घटनाओं में से एक थी ठीक है चारों ओर सांप्रदायिक दंगों की एक लहर सी दौड़ गई तथा इन दंगों में हिंसक पशु बने मनुष्यों द्वारा हजारों व्यक्ति मौत के घाट उतारे गए लाखों विस्थापित हो गए स्त्रियों और बच्चों के साथ अमानुषिक अत्याचार किए गए और पूरे देश की एक विशाल जनसंख्या को अपना वतन छोड़कर भारत या पाकिस्तान में नए सिरे से बसना पड़ा तो देखिए जब इस तरीके का नरसंहार एक तरीके से हो रहा था तो उस वक्त क्या हुआ कि जो जहाँ था उसको वहाँ नहीं रहने दिया गया अगर कोई मुस्लिम था या फिर वो भारत में रह रहा था तो उसको यहाँ से दूसरी जगह मतलब पाकिस्तान जाना पड़ा जो वहाँ पर थे उनके साथ वहाँ पर अत्याचार हो रहा था तो मतलब देश में जो एक तरीके से उथल पुथल का दौर ये था अमानुषिक जो अत्याचार हो रहे थे उस वक्त मतलब हमारे देश में तो ये सारी घटनाएं क्या है इस उपन्यास में वर्णित हैं इस प्रथम भाग के अंत में शरणार्थियों को लेकर आने वाली एक बस का ड्राइवर कहता है देखिए तो इसका अंत किस इस तरीके से किया है बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है बहुत ही सुंदर इसमें अंत किया गया है देखिए कि रब ने जिन्हें एक बनाया था रब के बंदों ने अपने वहम और जुल्म से उन्हें दो कर दिया तो देखिए मतलब कि जो एक ही थे हिंदुस्तानी थे जो इंसान थे जो है ना वो क्या हो गए आज दो हो गए हैं है ना रब ने क्या बनाया था उनको एक ही बनाया था लेकिन जो रब के बंदे हैं मतलब जो इस भारतवर्ष में जो गलत लोग थे दुराचारी थे अत्याचारी थे उन्होंने क्या कर दिया अपने वहम और जुल्म से उन्हें दो कर दिया उन्हें अलग अलग कर दिया फूट डालो राज करो की नीति वालों ने क्या कर दिया उन्हें दो कर दिया तो ये चीज़ है इस उपन्यास में वर्णित जो पहला हमारा भाग है वो यहाँ पर संपन्न हो जाता है ठीक है फिर आता है कि भाग दो में जो है देश निर्माण व विकास में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण है तो फिर देखिए देश पहले तो देश जब हमारा जो पहला भाग था उसमें क्या है एक तरीके से आज़ादी तक की बात थी आज़ाद तो हो गया लेकिन उसके बाद अब देश का निर्माण कैसे किया जाए कैसे उसको चलाया जाए है ना और उसका विकास कैसे किया जाए और इन चीज़ों को वर्णन कहाँ पर मिलता है दूसरे इस भाग में मिलता है कि बुद्धिजीवों की भूमिका मतलब वो एक तरीके से उनका क्या रोल होना चाहिए था और क्या उनका रोल रहा ये चीज़ कहाँ पर है ये दूसरे भाग में देखने को मिलती है जयदेवपुरी और सूद प्रतिगामी शक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में भ्रष्ट राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और तारा जैसी क्रांतिकारी चेतना से युक्त विकास की राह पर चलने वाली स्त्री भी सुख समृद्धि एवं प्रभाव की लिप्सा में पड़कर विडंबना का दुखद उदाहरण प्रस्तुत प्रस्तुत करती है तो देखिए इन इन लोगों के माध्यम से क्या है इस कहानी को आगे बढ़ाया गया है कि वो लोग क्या करते हैं एक भ्रष्ट राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं लेकिन कुछ तारा जैसी क्रांतिकारी चेतना से युक्त विकास की राह पर चलने वाली स्त्री भी सुख समृद्धि और प्रभाव की लिप्सा में पढ़कर मतलब वो भी सुख सुविधाओं में पढ़कर क्या है विड़ंबना का दुखद उदाहरण प्रस्तुत कर देती है मतलब वही चीज़ जो हम पहले पढ़ रहे थे कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका क्या रोल होना चाहिए था और क्या वो कर रहे हैं इसका जिक्र किस में है उपन्यास के दूसरे भाग में है इसलिए कहा जा सकता है कि यशपाल ने देश का भविष्य देश की जनता के हाथों में दिखाने का प्रयास किया है न कि बुद्धिजीवियों के हाथों में या फिर यूँ कहें जो दोगले लोग हैं उनके हाथों में वो कह उनका मानना ये है कि हमारे देश का जो भविष्य है वो सिर्फ जनता ही तय कर सकती है है ना अंत में हालांकि एक जिक्र आया भी है एक पात्र के माध्यम से वो हम आगे देखेंगे कि वहाँ से थोड़ा सा और हमें पता लग जाएगा कि यशपाल जो है किस क्या समझाना चाहते थे क्या कहना चाहते हैं जयदेवपुरी के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि भारत का जो मध्य वर्ग है वो क्रांतिकारी चेतना युक्त होकर पूंजीपति वर्ग के पाखंड की आलोचना करते हुए किस प्रकार स्वयं भी वैसा ही जीवन जीने की ओर बढ़ता जाता है तो देखिए बहुत सुंदर इन्होंने बात कही है कि आज भी हम देखते हैं कि बहुत हमारे भारतवर्ष में क्या हो रहा है कि जयदेवपुरी जो कहानी का नायक तो नहीं बोल सकते हम लेकिन फिर भी इस कहानी में शुरू से लेकर के अंत तक बना रहता है उपन्यास की कहानी में ठीक है तो वो क्या करता है कि भारत की जो मध्यवर्ग है वो उसका प्रतिनिधित्व करता है है ना क्रांतिकारी चेतनायुक्त होकर ठीक है पूंजीपति का वो आखंड उनके पाखंडों की आलोचना करता है लेकिन वो करना क्या चाहता है वास्तव में वो खुद उस जीवन तक पहुँचना चाहता है मतलब वैसा ही जीवन जीने की वो कल्पना करता है और हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे युवक या बहुत सारे जो स्त्री के लोग हैं जो चाहते तो ये हैं कि वो लड़ें लेकिन वो अल्टीमेटली उनका यही है कि वो भी वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं है ना? तो उसके माध्यम से लेखक ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि उनकी आलोचना करते हुए वो स्वयं भी वैसा ही जीवन जीने की ओर बढ़ता जाता है तो ये इस उपन्यास का सार भी है कि यही सच है और ये झूठा सच है मतलब जो उनको लगता है कि इस तरीके से सही सुधार समाज का हो सकता है है। आगे देखिए उपन्यास का जो पहला भाग देश के यथार्थ विघटन को रूपायित करता है तो दूसरा संगठन को तो पहले में विघटन है दूसरे में संगठन है दोनों में धर्म व वर्गों में बंटे जन समाज के सुविस्तृत गाथा है तो विस्तृत होना यह सुविधा हो गया है सुविस्तृत क्या गाथा है, है। क्यों सांप्रदायिक चेतना किस प्रकार मानवीय नियति को दूर तक प्रभावित करती है तथा परिस्थितियों की विकट मार जन सामान्य में निहित क्रांतिकारी चेतना को कुंठित करते हुए स्वार्थ लिप्सा की ओर मुड़ सकती है इसका अत्यंत मार्मिक चित्रण यशपाल ने अपने उपन्यास में किया है तो देखिए दो हैं भाग इसके दोनों भागों में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं और आगे ये भी चीज़ बताई गई है कि जो हमारा जो लड़ने वाले लोग हैं वो भी उसी जगह ही पहुंचना चाहते हैं जहां पर पूंजीपति शासक हैं और उसका उन्होंने मार्मिकता से चित्रण किया है सूद जब सत्रह हज़ार वोटों से चुनाव हार जाते हैं तो इस प्रसंग में उपन्यास के अंत में डॉक्टर प्राणनाथ की यह टिप्पणी राजनेताओं के प्रति आस्था और जनता के प्रति आस्था व्यक्त करती है गिल अब तो विश्वास करोगे जनता निर्जीव नहीं है जनता सदा मूक नहीं रहती देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है देश की जनता के ही हाथ में है तो यहाँ से हमें सीधा सा एक संकेत मिल जाता है कि जो यशपाल हैं वो एक तरीके से क्या है आशावादी हैं आशावादी दृष्टिकोण लिए हुए हैं है ना तो आगे देखिए क्या लिखता है कि प्राणनाथ के ये शब्द वस्तुतः यशपाल के अपने शब्द हैं जिनमें उनकी आशावादिता और जनता की शक्ति में आस्था व्यक्त हुई है तो इस उपन्यास में इनके कहने का मतलब क्या है कि जो वास्तव में शक्ति किसके हाथ में है वो जनता के हाथ में है है ना तो जनता की शक्ति में वो क्या है अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो इनका उपन्यास था उसके बारे में थोड़ी सी समीक्षा थी अब हम देख लेते हैं कि झूठा सच सच में संक्षेप में है क्या चीज़ तो यहाँ पर मैंने बुक का थोड़ा सा आ, अंश लिया है चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ झूठा सच यशपाल का सातवां उपन्यास है ये हमने पहले भी देख लिया दो खंडों में है ये भी हम कर चुके हैं बयालीस से बावन तक क्या भारत का ये भी हम देख चुके हैं कि बयालीस से बावन तक का इसमें जिक्र हुआ है कथा की धुरी जयदेवपुरी और उसकी बहन तारा को माना जा सकता है जयदेवपुरी प्रथम श्रेणी में, में एम करके प्रोफेसर ही करना चाहता है है ना उसमें रुचि क्षमता और विश्वास है तो ये हो सकता है इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं है ना उसके पात्र की उसके चरित्र की जो विशेषताएं हैं तो इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं 1942 के आंदोलन में भाग लेने के कारण उसे जेल जाना पड़ता है वह कनक से प्रेम करता है कनक गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करती है कनक के घर के लोग पूरी की आर्थिक हीनता के कारण विवाह करना अस्वीकार कर देते हैं जेल से छूटकर पूरी पेरोकार पत्र में नौकरी करता है पत्र की नीति से भेद होने पर निकाल दिया जाता है वह काम की तलाश में कनक के आश्वासन और आश्वासन पर नैनीताल जाता है विफल होने पर जालंधर में होटल में नौकरी करता है प्रभावशाली कांग्रेसी नेता सूद जी के संपर्क में आता है उसे सूद जी से सहायता मिलती है इस बीच वह असहाय उर्मिला के संपर्क में आता है कनक दिल्ली आती है और पत्रकारिता आरंभ करती है जहां वह मार्क्सवादी युवक गिल के प्रति आकृष्ट होती है पूरी के प्रति उसका सुप्त प्रेम अभी मरा नहीं है वह सूचना पाकर पूरी से मिलती है पूरी के साथ उर्मिला को देखकर निराश होती है पूरी उर्मिला को नर्स का काम सीखने के लिए कहकर अलग कर देता है पूरी और कनक साथ साथ रहकर प्रकाशन का कार्य करने लगते हैं पूरी प्रतिक्रियावादी होता जाता है कनक से नहीं पड़ती कनक उसे छोड़कर चली जाती है और गिल को समर्पण कर देती है तारा की कहानी अधिक करुण और विविधतापूर्ण है तारा कॉमेड असद को प्यार करती है उसका विवाह सोमराज नामक एक लंपट युवक से हो जाता है सुहागरात को ही वह उसकी दुर्गति कर डालता है किंतु इसी बीच सांप्रदायिक दंगे के कारण मुसलमानों का आक्रमण होता है तारा मुसलमानों के हाथ पड़ जाती है हाफिज जी उसकी सहायता करते हैं किंतु हिंदू होने के कारण उसे अधिक दिनों तक अपने घर नहीं नहीं पाते पाते रख उनके यहां से निकलने पर तारा एक ऐसे दुष्ट के हाथ पड़ जाती है जो स्त्रियों का व्यापार करता है स्त्रियों का उद्धार करने वाला दल उसे उबारता है इस दल में असद भी है असद उससे पुनः मिलने का वादा करता है किंतु वह अमृतसर पहुंचा दी जाती है अनेक प्रकार की नारकीय यातनाएं सहने के बाद अंत में तारा डॉक्टर प्राणनाथ से विवाह कर लेती है और उपन्यास के अंत में डॉक्टर प्राणनाथ गिल से कहते हैं गिल अब तो विश्वास करोगे जनता निर्जीव नहीं है जनता सदा मूक भी नहीं रहती देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है देश की जनता के ही हाथ में है और इस प्रकार झूठा सच भी उद्देश्य पर दृष्टिकोण से प्रेरित होकर लिखा गया है और उसका स्वर क्या है आशावादी है तो थोड़ी सी ये संक्षिप्त सी एक कहानी जैसी थी जो झूठा सच के बारे में है तो चलिए अब हम देख लेते हैं उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में तो जयदेवपुरी ये पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं मध्यवर्ग का जो क्या है प्रतिनिधि है ठीक है फिर कनक है जो जयदेवपुरी की पत्नी है और ये एक प्रगतिशील है तारा भी इसी स्वभाव की और ये जयदेवपुरी की बहन है फिर उसमें सूद आता है शीला प्राणनाथ नैयर गिल सोमराज दौलतराम आज़ाद इसाक असद रावत प्रधानमंत्री इत्यादि तो देखिए ये बहुत सारे पात्र इसमें हैं है, है ना बृहद उपन्यास है तो स्वाभाविक है कि इसमें पात्रों की भी अधिकता होना लाजमी है तो कोई भी इसमें नायक या नायिका के रूप में नहीं है तो ये थे इसके जो पात्र हैं पात्रों से कई बार इसका प्रश्न पूछ लिया जाता है इसके आधारभूमि क्या है इस उपन्यास की वहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है तो पात्रों के बारे में हमें बारीकी से जानना जानने के लिए उपन्यास को पढ़ना पड़ेगा उसमें कितने उपन्यास हैं वो हम तभी देख पाएंगे तो ये जो प्रमुख जो पात्र थे मैंने आपके बीच में रख दिए हैं आगे अब हम देख लेते हैं कि झूठा सच के संबंध में विद्वानों के क्या क्या कथन हैं झूठा सच जो उपन्यास है क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने इसके संबंध में अलग अलग अपने मत दिए हैं देखिए सबसे पहले रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं कि इस उपन्यास की राजनीतिक महत्व यह है कि वह जनता को देश की प्रतिक्रियावादी शक्तियों का वास्तविक घृणित रूप दिखलाता है उनसे जनता को सावधान रहना सिखलाता है तो देखिए रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि ये जो उपन्यास है राजनीतिक महत्व तो है है ना इसका क्या है राजनीतिक महत्व तो है कि वो जनता को देश की प्रतिक्रियावादी जो शक्तियाँ हैं उनकी वास्तविक और घृणित रूप को दिखलाता है कि वास्तव तो में वो क्या करना चाहते हैं है ना जनता को उनसे सावधान रहना सिखलाता है और साथ ही साथ जो रामविला शर्मा है दोस्तों ये क्या है ये जो है झूठा सच से पहले जो क्या है जो यशपाल जी से उनके एक तरीके से विरोधी माने जाते हैं लेकिन झूठा सच को वो मानते हैं कि ये इनकी एक सशक्त रचना है है ना आगे यहाँ देखिए कुं कवि जो कुंवर नारायण है ये इसे कहते हैं कि कवि दृष्टि का अभाव कहते हैं ये कहते हैं कि ये जो झूठा सच लिखा गया है इसमें कवि दृष्टि का क्या है अभाव है और इसी के आधार इसी शीर्षक के नाम से इन्होंने एक समीक्षा रच रच डाली थी है ना मतलब ये इस तरीके से आलोचना करते हैं झूठा सच की या फिर यशपाल की कि वो एक समर्थ जो है साहित्यकार नहीं है लेकिन इस उपन्यास का बहुत बड़ा गुण आगे देखिए जो आनंद प्रकाश हैं वो इस चीज़ को क्या करते हैं फिर डिनाय करते हैं एक तरीके से कि इस उपन्यास का बहुत बड़ा गुण है कि इसकी रोचकता और अत्यधिक साहित्यिकता निश्चय ही सामाजिक वातावरण और ऐतिहासिक यथार्थ के विभाग चित्रण को ज़्यादातर सही साहित्यिक समझ और अभिव्यक्ति से जोड़ पाने में यशपाल को पर्याप्त सफलता मिली है तो अनंत प्रकाश मानते हैं कि ये इसका गुण है इसकी रोचकता और अत्यधिक साहित्यिकता तो ये क्या है इसके समर्थन में है हालांकि इसके बाद जो मधुरेश हैं उन्होंने भी जो कवि कुंवर नारायण हैं उनके जो इस कवि दृष्टि के अभाव का उन्होंने एक तरीके से रिप्लाई किया है कि जो झूठा सच है वो कहीं ना कहीं अपने आप में हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति है तो मधुरेश ने भी क्या किया है झूठा सच का समर्थन किया है और हिंदी साहित्य जगत में यशपाल के स्थान को प्रतिष्ठित माना है तो ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग कथन हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने इस लेक्चर में यशपाल के बारे में जानी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत जय हिंद जय भारत